स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम डेली करंट अफेयर के साथ तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल की कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। मुस्तफा अदीब इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? बी लेबनान। लेबनान के मुस्तफा अदीब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि मुस्तफा अदीब प्राइम मिनिस्टर है लेबनान के, तो लेबनान की करेंसी बताएं। तो इसी के साथ साथ हम स्टैटिक पॉइंट को भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी स्टैटिक जीके भी स्ट्रॉन्ग बन सके। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ इसमें पॉइंट्स टू रिमेम्बर में कि हमारा इसका स्टैटिक पॉइंट क्या है। तो इसका पहला है कि हम इसका कैपिटल देखें तो वो है बेरूत और इसकी करेंसी क्या है? लेबनीज पाउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर बात करें तो इंडिया हैज जॉइंट वन द इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड विद विच नेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी रशिया। ठीक है, रशिया का अगर स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को और इसकी करेंसी क्या है? रशियन रूबल। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच नेशन हैज लॉन्च्ड एग्रोइटा एन ई मार्केट प्लेटफॉर्म टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडियन फार्मर्स एंड इट्स फूड इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर क्या है? डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें ये क्या करेंगे कि एक गैप है जो इंडियन फार्मर्स और फूड इंडस्ट्री के बीच में एक मीडिएटर जो होते हैं उस गैप को इन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सप्लाई चेन है वो ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज हो। ऑप्टिमाइज मतलब ये ज्यादा से ज्यादा बेटर हो सके, जो फार्मर्स है उन्हें प्रॉपर कॉस्ट मिल सके और ये जो जो फूड इंडस्ट्री उन्हें प्रॉपर क्वालिटी मिल सके। तो इसमें जो इंटरमीडिएट्स थे उनको इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो है हॉलीवुड स्टार चैडविक बोसमैन passed away on August 28 after a long battle with a colon cancer. He is best known for his work in which among the following movies? तो चैडविक बोसमैन है जो 28 अगस्त को कोलन कैंसर की वजह से जिनकी डेथ हो चुकी है वो मेजरली फेमस किसके लिए है? ब्लैक पैंथर मूवी के लिए। अगर आपने ब्लैक पैंथर मूवी नहीं देखी है तो ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा वरना मार्वल फैंस को ये आंसर याद ही होगा। ठीक है, चैडविक बोसमैन है, उनकी डेथ हो चुकी है और उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया था? ब्लैक पैंथर मूवी में ब्लैक पैंथर का, ठीक है, न्यू किंग का जो ब्लैक पैंथर थे उनका रोल प्ले किया था। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो विच नेशन विल बी ऑब्जर्व एज न्यूट्रिशन मंथ एज पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस जो 30 अगस्त 2020 की जो मन की बात रेडियो प्रोग्राम था उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन सा मंथ न्यूट्रिशन मंथ को डेडिकेट किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो DGCA ने सस्पेंड किया है इंटरनेशनल स्केड्यूल कमर्शियल फ्लाइट। जो ये याद रखिएगा, कमर्शियल फ्लाइट को सस्पेंड किया है टिल वेन? तो आपके ऑप्शन ये रहे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? September 30। DGCA जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने 30 सितंबर 2020 तक सारी इंटरनेशनल फ्लाइट को सस्पेंड किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंच आर्टिस्ट जूलियट बेनोशे इन्हें ऑनर्ड किया गया है एनुअल फिल्म गाला में। ठीक है, ये जो गाला था ये कौन से एडिशन का था? ठीक है, जो कि September 24 से लेके October 4, 2020 तक चलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? C-16। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर एस पद्मावती डाइड एट 103। ठीक है, उनकी उम्र कितनी थी? 103, ड्यू टू COVID-19 इन August 2020। उनको कौन से साल में पद्म विभूषण अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिला है? ठीक है, इन विच ईयर वॉज शी अवार्डेड पद्म विभूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या है? ए 1992। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज इन्वेस्टेड ₹250 करोड़ इन इंडियन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग फर्म श्रीजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड? तो इसका सही आंसर क्या है? ए क्रिएटर।
ठीक है, क्रिएटर ने इन्वेस्ट किया है, ये एक मलेशिया बेस्ड प्राइवेट इक्विटी कंपनी है जिसने 250 करोड़ इंडिया के श्रीजी पॉलीवर लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अगर यहाँ से मलेशिया की बात हुई, सिंस ये मलेशियन कंट्री है, तो इसका स्टैटिक पॉइंट अगर हम बात करें, डिस्कस कर ले, तो यहाँ जो मलेशिया है उसका कैपिटल क्या है, कुआला लंपुर। इसकी करेंसी क्या है, मलेशियन रिंगिट। और इसका नेशनल स्पोर्ट, मलेशिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है, सेपक टकराव। ठीक है, क्या है, सेपक टकराव। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें, तो उत्पल कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन लोकसभा विथ इफेक्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर 1, 2020। उनका अर्लियर सर्व चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट, ठीक है, ही हैज अर्लियर सर्व एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो इसका सही आंसर क्या है, ए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के वो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और ये सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं लोकसभा में सितंबर 1, 2020 से। अगर मैं लोकसभा और उत्तर प्रदेश, सिंस यहाँ लोकसभा और एक स्टेट कौन सा आ रहा है, उत्तराखंड, तो अगर हम उसको कंसीडर करें तो यहाँ के इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ होंगे। ठीक है, अगर हम इसके इम्पोर्टेंट स्टैटिक पॉइंट को डिस्कस करें, तो लोकसभा में इसकी सीट्स कितनी हैं, 5 उत्तराखंड के, राज्यसभा में इसकी सीट्स कितने हैं, 3, और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है उत्तराखंड का वो है एल्पाइन मस्क। स्टेट बर्ड क्या है इसका, हिमालयन मोलन। ठीक है, तो नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें, तो इन जम्मू एंड कश्मीर बैम्बू क्लस्टर्स विल बी डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज फॉर मेकिंग ऑफ बैम्बू बास्केटरी, अगरबत्ती एंड बैम्बू चारकोल। तो आपके ऑप्शन ये हैं, जम्मू, कटरा, सांबा और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने आपको ये चीज मंथली करंट अफेयर में भी बताया था, अगर क्वेश्चन में प्लुरल साउंड कर रहा हो, ठीक है, और ऑप्शन सिंगुलर सिंगुलर हो और ऑल ऑफ द अबव या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप का हो, तो हमेशा आंसर वही होता है, अनलेस एंड अंटिल ऐसा हो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जम्मू भी सही है इसका आंसर है, कटरा भी सही आंसर है, सांबा भी सही आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें, तो ये है आईआईटी इंदौर ने इंट्रोड्यूस किया है एक यूनिक कोर्स टू इम्पैक्ट मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट इन विच लैंग्वेज। ठीक है, आईआईटी इंदौर ने इंट्रोड्यूस किया है मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज के अलावा एक इम्पॉर्टेंट कोई कोर्स लॉन्च किया है जो कि एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ेगा। ठीक है, तो वो कौन सी लैंग्वेज में है, तो आपके ऑप्शन ये हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, बी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है मैथमेटिकल और साइंटिफिक नॉलेज ताकि वो सीख सके एंशियंट टेक्स्ट से। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें, तुम्हारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, हु हैज अनाउंस दैट इन लाइन विद द विजन ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी टॉय एंड पपेट मेकिंग स्किल्स विल बी डेवलप्ड अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या है, बी रमेश पोखरियाल निशांक। रमेश पोखरियाल निशांक कौन है हमारे, ये है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। कौन है ये, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, अब इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि प्राइम मिनिस्टर ये टॉय एंड पपेट मेकिंग स्किल्स किस में डेवलप करेंगे, स्टूडेंट्स में इन स्कूल। ठीक है, ये स्कूल एजुकेशन में ये सारी चीजें डालेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें, तो हु हैज रिलीज्ड टू कॉफी टेबल बुक्स फॉर द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एंड जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट JKEDI इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर क्या है, बी मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने कॉफी टू टेबल बुक्स रिलीज की है फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट और जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, आज की अगर हम लास्ट करंट अफेयर की बात करें, तो वो है द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड द बैंक टू इमीडिएटली रिफंड द चार्जेस कलेक्टेड आफ्टर विच डेट ऑन ट्रांजेक्शन कैरिड आउट यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईटी एक्ट। तो आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 2020, 1 अप्रैल
2020, 31 मार्च 2020 और 1 मार्च 2020। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 जनवरी 2020। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे क्या होता था कि ये जो यूपीआई है, यूपीआई पेमेंट में हम लोगों को क्या होते थे, चार्जेस लगते थे कुछ, ठीक है। और वो जो चार्जेस है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है वापस रिफंड करो सब लोगों को, क्या कब से? 1 जनवरी 2020 से। क्योंकि ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसफर, ये जो ट्रांजेक्शन है डिजिटल, इसका एक टाइप से एक हैरेसमेंट टाइप का है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ये जितने भी पेमेंट बनते हैं बैंक्स को बोला है आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे करंट अफेयर की वीडियो पसंद आई। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे दिए हुए ग्रे बटन को लाइक करें ताकि इसकी रीच बढ़े। और हम अपने चैनल में बाकी वीडियोस भी अपलोड करते हैं, उसे भी गो थ्रू करें। मुझे उम्मीद है आपको हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो या हिस्ट्री की वीडियो एंड बायो के सेक्शंस की वीडियो काफी पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।